अब मैं बालक अनजान हूँ, क्या कहना सारी सभा कर जो ये विचार, दयंचर होवे ग्रंथ में तो लीजो आप सुधार। अरे सतिया में एक सती रे अनुसिया, दिन रे पति उपदेश तोरे भैया, जेचे महीना रा बालक कर देवे ब्रह्मा विष्णु महेश को, जेचे महीना रा बालक कर देवे रे ब्रह्मा विष्णु महेश को। अरे भाई दिनपति को दिनपति उपदेश को छे छे महीना रा बालक कर दे वा ब्रह्मा विष्णु महेश महेश को त्रिलोक के नाथ ने मिलना क्या एड़ी सती ही भाई वा। तो अब देखो आ तीना रे कई घमंडो ब्रह्माणी के लक्ष्मी जी के पार्वती के तीना रे ओ घमंडो के आप ऊंची तो कोई संसार रे मायने सती को नी सती को नी मेल कोन मार सके कोई। हाँ तो अब नारद मुनि मन में विचार कियो आरो तो भाई घमंड गले जना धापन रोटी जी मुनिया रोटी आची को नहीं लागे काम स्टार्ट। हाँ सा अब के एक समय मुनि नारद चालिया शिव शंकर के द्वार पर, सती अनुसिया का नाम रटा वो धुन बीने की तान पर, क्या कहना सती अनुसिया का नाम रटा जब पूछन लागी पार्वती
को नारद मेरे से बढ़कर हुई दुनिया में कौन सती। कोई है गए? अरे नारदिया तू वो सती अनुसिया अनुसिया करे महू ऊंची और सती किसी है रे। अपना भी बोला दे दिया। नारद मुनि बोले आप तो माता पहुंच सको नहीं उन नारी के केस को, छे छे महीना रा तो बा बालक बना दे ब्रह्मा विष्णु महेश को। हाँ पार्वती मन में विचार करियो जन आप तो यूं ही बेटा बातेड़ो करांगे। हाँ कि छे छे महीना रा टाबर कर दे ऐसी ऐसी बरसरा ने जना तो बचे सती ऊंची है। हाँ अबे तो उन सती रो देखो सत बिगे सत हार हुए जना तो आ देख लो आप नहीं भोजन आचो लागे नहीं आचो ही तो कौन लागेगे। आवे बटम नारद मुनि रवाना आवे देखो लक्ष्मी जी कने जावे के पार्वती रे तो आप कड़ेरी कूची लगा दी पर लक्ष्मी जी ने लारी क्यों छोड़ोगे। हाँ वासे तो मुनि नारद चाल्या लक्ष्मी के द्वार पर भई लक्ष्मी के द्वार पर सती अनुसिया की जे जे माता क्या कहूं इस नाम को। तोरे मुनि नारद चाल्या लक्ष्मी के गम धाम तोरे भैया लक्ष्मी के गम धाम को सबसे ऊंची सती अनुसिया क्या कहूं इस नाम को। सबसे ऊंची सती रे अनुसिया क्या कहूं इस नाम को। कर विदा मांग कर ब्रह्माणी के पास गया हाथ जोड़ कर पितर मांग कर ब्रह्माणी के पास गया। सतिया मेरे एक सती रे अनुसिया पति रूप ऐसे तोरे भाई इन पति रूप ऐसे तो ऐसे महीना रा बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु छे महीना रा बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु महेश को। बोलो सती माते की ये हो तो केवे वहां से तो मुनि नारद चाल्या गया लक्ष्मी के ब्रह्म धाम को। सबसे ऊंची सती अनुसिया में क्या कहूँ उस नाम को। हाँ तो सती अनुसिया रियो देखो जे जयकार करतो गयो लक्ष्मी जी बोले नारद तारा यहाँ केन फूटा है दुनिया ने माँ ने सती माँ तीन हाँ आ चौथी भले तू कटू लिया अनुसिया अनुसिया करतो आवेगे छे माता संसार में कोनी बीरे मुकाबले सती। वहां से मुनि नारद चलिया गया लक्ष्मी के ब्रह्म धाम को। सबसे ऊंची सती अनुसिया में क्या कहूं उस नाम को। क्या क्यों लक्ष्मी जी गुस्से में हो गया खड़ा तो नारद कांप रहा अब हाथ जोड़कर विदा मांग कर ब्रह्माणी के पास गया। ठीक है हाँ विष्णु भगवान रे घराना कन पहुंचा ब्रह्माणी को सुना दिया है उस नारी संदेश को छे छे महीना रा बालक कर दे बा ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब देखो ता तीनों घना नारदी लाई लगाई दिए अब तीनों दिन माते में राग राग गाल गाल बैठ जावे। हाँ अटने पार्वती के आज लोक रे ना हूं दे के महू छाने आ सती कट रहेगी
अटी ने लक्ष्मी जी केवे के विष्णु ने आज आऊंदो के मारू छाने कट राखी सकी जी अटी ने ब्रह्मानी के ब्रह्मा जी ने आज घरे तो आऊंदो के तीनों जनी आ देख लो गुस्से में बैठ जावे नारद मुनि देखो तीना ने बेखा परा ने कई अंतर ध्यान हो कई बात अरे नारद जी क्या लड़ जाए अब तीनों को बेका कर नारद आप हो गए अंतर ध्यान भैया आप हो गए अंतर ध्यान कर नारद आप हो गए अंतर ध्यान भाई आप हो गए अंतर ज्ञान अरे सतिया में एक सती अनुसिया दिनपति युग इस कोरे भाई दिनपति युग इस को बेच मैनारा बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु सतिया में एक सती रे दुसिया दिनपति युग देश कोरे भाई दिनपति युग देश को बेच मैनारा बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु सती मात की हाँ तब तीना ने देखो नारद वे खाई दिए के गेलिया जाए पी आज देखो थाने पति देव घरे आ जावे कानी कानी तो मुंडी मती बोल जो ना के हाँ तो तीनों जी बोले उन तो दो नारद जी आज घरे हाँ अटी ने कही है अब देखो शंकर भगवान घरे आवे तो पार्वती ऊंदे माते पड़िया बन गई हाँ अटी ने विष्णु भगवान भगवान आवे तो लक्ष्मी जी को केवनो ही कही छोड़ो ब्रह्मा जी घरे आवे तो पे ब्रह्मांड जी ने केवनो ही कही तो अब बोले तीनों जिन्या अटनू तो पार्वती केवे शंकर भगवान ने के बाद सती अनुसिया जकीरो सत बिगार आउनो बटी ने लक्ष्मी जी केवे विष्णु भगवान ने के बाद सती अनुसिया जकीरो सत बिगान आओ बटी ने ब्रह्माणी जी केवे ब्रह्मा जी ने के जल्दी जाओ के हाँ अब देखो तीनों जना रवाना होवे अपने अपने घर उन कहीं देखो आगे एक चौराहे पे तीनों मिले न कहीं बात ना पहली तरफ से विष्णु चाला दूजी तरफ से पहली तरफ से चाला दूजी तरफ से शिव शंकर भाई दूजी रे तरफ से शिव शंकर ब्रह्माणी दूजी तरफ से ब्रह्मा जी चाला ब्रह्माणी से घबरा कर दूजी तरफ से ब्रह्मा जी चाला ब्रह्माणी से घबरा कर
भाई दूसरे तरफ से शिव शंकर तेरी तरफ से ब्रह्मा जी चाचा वो ब्रह्माणी से घबरा कर तेरी तरफ से विष्णु चालिया दूजी तरफ से शिव शंकर तीजी तरफ से ब्रह्मा जी चालिया ब्रह्माणी से घबरा कर हाँ एक जगह टकराए तीनों को भाया कित जाय रहा बताओ हाँ सबसे पहले शंकर बोला आप भाई कित जाय रहे बताओ पहले तो कहे हम जाते हैं उस नारी के सत डिगाने नेम को वह सती अनुष्या बतावे सब ऊपर मेरे मुकाबले के कोई सती हुई कोनी मीरों में सत डिगाउन के वास्ते जावा हम जाते उस नारी के सत डिगाने नेम को के बतावे छेचे महीना रा बालक करे वा ब्रह्मा विष्णु महेश को हाँ तो विष्णु भगवान कहे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी ने भाई सत डिगाउन है तो बड़ो दो रो बीरो तो कठिन है हाँ वा सती बहुत ऊपर है ऊंची है आपरे पति ने पूरी पैदल यात्रा कराई बा रेडुली में बैठाई परी ने अपने बूतों खींच परी ने हाँ एक जिया जंगल में इरे पति ने बहुत जोरी प्यास लगे तो पांच सात छोरिया भागरे माई ने झूला झूले उन जिया जारी ले परी ने जावे आरमा ने बोले के मारो पति खत्म हो जाए बिना मने दो लोटा पानी जल्दी गाल दो तो वे छोरिया बोले ने भाई देख थारो एक पग बाड़ परी ने माने दे देर थारे पति रे वास्ते पानी ले जा तो काम कर जंदे हूं तो ऐसी सती बात बोले था तो पग ने रो में मारी गर्दन दे दे ता मने पानी तो दे दो लोटा हाँ तो आपने पति रे पानी रे वास्ते देखो आपने एक पग बाट परी ने वा दे दियो माने आपने पति ने पानी पायो लाए परी ने तीन दिन तो सूरज भगवान ने कोनी उगण दियो वा ऐसी सती हाँ Thank you.
तो अब कहीं कहवे जानी। शंकर भगवान बोले भाई देखो बीरो सत डिगौना पा चाल रिया तीनू पहले आपस में समझौता कर लो और एक बात कहूं नहीं बड़ चाल प्राण थे की कहूं मैं की कहूं ने की कहूं ने बात बिगड़ जाला। हाँ शंकर भगवान सबसे पहले शंकर बोला सुन लो रे भाया बात खरी रे भैया आपस में समझौता कर लो सबसे पहले शंकर बोला सुन लो भाया बात खरी मिलो जगत पिता केला वो जग में आ तीन आरी आज नीत फिरी भाई। हाँ जगत रा पिता कही जो आप संसार का मालिक हो भाई। हाँ आपस में समझौता कर लो कैसे सत डिगाएंगे तीनों एक मुंडे केवनो भाई बस्तर हीन कर भोजन दे दे ऐसे वचन फरमाएंगे। हाँ के नगन होए परीन माने भोजन जीमावे क्यों बा सती है भोजन प्रसाद को तू जाऊता नहीं के तो तीनों यहाँ पा कही जो भाई नगन होए परीन माने भोजन जीमावे तो जीमा नहीं तो मैं तो नहीं जीमा तो बड़े प्रेम के साथ तीनों जना रवाना हुए।
हमरे मायने ए तीनों जना जात रहा। अब देखो दरवाजे पर सती रे अलग जगावे, सती बारे आया आपरे पति ने केवे पति देव महात्मा पधारिया बारे कोई साधु संत दर्शन तो करो। हाँ तो आज देखे तो तीन उबा एक लेन उबा रणुकार मचे सती अनुसिया कीजे सती अनुसिया कीजे। तो सती अनुसिया आन बोले बिछावना इछावना कर दे ने बेटो बाप जी विराजमान हो भोजन प्रसाद जी मन पज पधारो पज पधारो बाप जी। हाँ तो शंकर भगवान रोक रो बोले नहीं हम ऐसे भोजन नहीं जीमते हैं। मुझे मन में विचार जरा डबल है। हाँ हमको वचन दे तो आपका भोजन प्रसाद जीमे नहीं तो हम तो नहीं जीमे भूखा जाना दो बोले नहीं। हाँ हमको भोजन जिमाने वाले बहुत हैं, हमें संसार जिमाती है। हाँ संसार भी जिमाते हैं। तो जाय प्राण बोले बाप जी आपने वचन है भोजन तो जीम नहीं जाऊनो पड़ी। हाँ के वचन है क्या तीनों एक मुंडे बोले तो फिर माने नागी होई प्रीन भोजन जीमा। हाँ नगन उनको नाव लियो सती रे आधे किलो पगा हटा कर जमीन निकली वा पति देव जुलम होगा अब कहीं करूंगे। वचना में आएगी सती बड़ी दुखी हुई कई बात बने देखो इतरा बचन सुना है सती तो थर हर ही पाय रही रे भैया थर हर ही पाय रही। अब मेरी लाज रखो सांवरिया इज्जत दासी जाय रही भाई हर हर ही पाय रही। अब मेरी लाज रखो सांवरिया इज्जत दासी जाय रही। अब मेरी लाज रखो रे सांवरिया इज्जत दासी जाय रही। पति चरणों में सार पड़ी पति के वेर विश्वास कर ले ऐसे ही उपदेश दिया। पति के वेर विश्वास कर ले ऐसे ही उपदेश दिया। बोलो सती मात की जय हो। तो अब केवे इतना वचन सुना सती तो थर हरी कंपाय रही। जमी छूट गई। हाँ अब मेरी लाज रखो सांवरिया इज्जत दासी की जाय रही। बूंदी करी हमारे में। हाँ बड़ी दुखी हुई है। मिल जा मंसूरा। तो केवे और जोर तो चला नहीं आप पति चरणों में जाय पड़ी। लाज राख मारी अब तो। हाँ ये पति देव आपरे चरणारी सेवा करी भक्ति करी। हाँ सा और जोर तो चला नहीं आप पति चरणों में जाय पड़ी।
पति कहे रवि साक्षी कर ले ऐसे ही उपदेश दिया। अरे जल का छांटा छिड़कने हामी हुरो जब मना ले गणेश को, छे छे महीना रा बालक बना दे तू ब्रह्मा विष्णु महेश को, हाँ छे छे महीना रा बना दे और फिर आने देख तू भोजन प्रसाद जीमा। छे छे महीना रा होवे बच्चा तो माता पिता मारे आगे नागा उगड़ा फिरे तो माने कांटा मारा माता पिता नागा है के। तो सती केवने लागी पति देव आपे चरणारी भक्ति करी में तो ताई केवे पति देव केवे चिंता क्यों करे तू हाँ। सती पति की सेवाए किया करे, उठ सती पति की सेवाए किया करे, चरणी खोली जली रोजी पिया करे, चरणी खोली जली रोजी पिया करे, पति पति की तू सेवा ये किया करे। बोलो सती मात की जय हो। हाँ तो केवने लागा पति उठ सती पति की सेवा किया कर, चरण खोल जल रोज पिया कर। हाँ तो चिंता मत कर, मैं कहता टेम लागी सती कहीं करियो, अछूते पानी रो कलश भर परी, सामी सूरज उग जावे। और देखो भगवान ने याद करे ना, आपरे पति देव ने याद किया, सिमरता सूर्य भगवान ने टेम लागी है। तो देखो सती रे आंचला मु दूधरी धारा छूटी, और दूधरी धारा छूटता टेम लागी, दटी ने तीनों आधे किलो डोकरा छे छे महीना रा बच्चा हो ही। तो कहवे है अरे छेते महीना रा मालक कर दिया, उनको दूध पिलाई दिया रे भैया, उनको दूध बहुत अच्छा। बालक कर दिया रे, उनको दूध पिलाए दिया रे भाई, उनको दूध पिलाए दिया, तीनों को अंचलों में लेके पालनिए हिलाए दिया, तीनों को अंचलों में लेकर पालनिए हिलाए दिया। नारद आया बीने पर आवाज करी रे भाई, बीने पर आवाज करी, सती अनुसिया की जय जय माता आगे जय जयकार करी, सती अनुसिया री जय जय माता आगे जय जयकार करी, आज करी सती अनुसिया जे जे हो माता आगे जे जे कार करी, सती अनुसिया जे जे हो माता आगे जे जे कार करी।
छुप कर चालिया मना लिया है गणेश को रे मना लिया है गणेश को छे महीना रा बालक कर दिया ब्रह्मा विष्णु ने छे महीना रा बालक कर दिया ब्रह्मा विष्णु ने अरे सतिया में एक सती रे अनुसिया दिन पति देश कोरे भाई दिन रे पति देश को छे महीना रा बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में छे महीना रा बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में बोलो सती माते की जय हो छे छे महीने रा बालक कर दिया उनको दूध पिलाई दिया तीनों को अंचलों में लेकर पालनीय सुहाई दिया हाँ अब लागे इंडोड़ा छे छे महीना रा विड़ा देखो डोकरा तो जिन टेम रे मायने मार दियो आपरे घर रवाना हुए के चाला मा डोकरा नो कहीं ढंग ढंगे देखा तो करो सर्दी कौन किया हाँ तो आगे आवे तो छे छे महीना रा हेड़ा पुड़िया अलग अलग पादने में हिंडोड़ा लेवे आप और किसी के दर वहाँ से तो मुनि नारद चालिया बीने पर आवाज करी सती अनुसारी जे जे माता आगे जे जे कार करी आगे घरे माय मुंडो घाल न देखे तो छे छे महीना रा हेड़ा होता भाई नारदियो मन में विचार करियो आनी छे छे महीना रा बनाई दिया सृष्टि ना मालिका तो प्यारा आ तो आने मिनट तो बनाया पाचा आपा ने लंगूर बनाई दिया तो डागना पे कूदता पीरांगे तो कहे वहां से मुनि छुप कर चालिया मना लिया गणेश को होकड़ मनी नारदियो आ देखो तो लारा नी नी देखे हाँ वहाँ से मुनि छुप कर चालिया मना लिया गणेश को हे गजानन जी को मैं तो थाने घर ही बैठो सिमरू गए हाँ अरे छे छे महीना रे देखो आ तो बालक बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को अब नारद जी पेल पोते को पार्वती कने गया तो पार्वती पूजना करे रही नारद माने डोकरा गया ने आधे के लिए बहुत देर होगी नी माना की समाचार लायो कौन लायो समाचार कहीं लाया बात छोड़ दे दूजे खोले में गया पर आगे हाँ अस्सी बरस रहा आप रे आधे लो था एकदम बच्चा बनाए दिया न्याल होएगा था तो चार महीना भैया पार्वती बोले रे न्याल केन होएगा के एकदम टावर बनाए दिया तो न्याल ही होया करम रे हाथ लगायो पार्वती जुलम होएगा रुल गया अब कहीं करा अब माने पाचा है ये रूप कौन देवे भाई मुश्किल है भाई हाँ तो तीनों घर जाए प्रो नारदियो पाची खबर कर देवे शंकर भवन में पग धरे तो पार्वती जी रोय रया रे भैया पार्वती जी रोय रया विष्णु भवन में पग धरे तो लक्ष्मी जी दे सुधरे पया भवन में पग धरे तो पार्वती जी रोय रया रे भैया पार्वती जी रोय रया विष्णु भवन में पग धरे तो लक्ष्मी जी दे सुधर पया लक्ष्मी भवन में पग धरे तो लक्ष्मी जी दे सुधर पया
सजनो रो रो के वो गाती है रे भाई, रो रो के वो गाती है, कांगया भेदों के दाता ऐसे आवाज लगाती है, कांगये भेदों के दाता ऐसे आवाज लगाती है। को क्या क्यों सजनो रो रो के वो गाती है रे भाई, रो रो के वो गाती है, कांगये भेदों के दाता ऐसे आवाज लगाती है, कांगये भेदों के दाता ऐसे आवाज लगाती है। पहुंच जाओ यम सती के दम राम को जी, सती के दम राम को छह महीना रा बालक बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को, छह महीना रा बालक बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। सती मात की तो कहवे काई कहवे, शंकर भवन में पग धरे तो पार्वती जी रोई रहा, दुष्का भरा बे हाँ, विष्णु भवन में पग धरे तो लक्ष्मी जी बेसुध पड़िया, सेमिनार नहीं लिया हाँ, ब्रह्मणी को क्या क्यों सजनो रो रो के वो गाती है, गणा दिन लिया कहाँ गए भेदों के दाता वो ऐसे आवाज लगाती है, अरे तुम तो नारद पहुंच जाओ अब सती के ब्रह्म धाम को, हाँ छह छह महीना रवा बालक बनाया है ब्रह्मा विष्णु महेश को, नारदियो के भैया ने तो पाछा टिंगर तो बनाया, मीनक तो मने लंगूर बना दी हो तुम्हारी हो जाऊ, हाँ अब नारद जी बोले तीनों जनी जा पीन मेरे पगा पड़ जाओ तो आ देख लो ता मेरी पग चंपी करो तो मेरा घट में दया आ जाए तो हाइये रूप दे दे नहीं तो बा नहीं दे मुझे मार अब देखो तीनों जनिया जावे और सती अनुसिया रे कहीं पगा में पड़े दुनिया सती हाँ कहीं देखो बोले जाने बोले देखा जोड़ कर लक्ष्मी जी बोले शीश झुका कर पार्वती रे भाई, लक्ष्मी जी बोले शीश झुका कर पार्वती रे भाई, शीश झुका कर पार्वती ब्रह्मणी वायु युक्त बोले हे मरी तुम्हारी मती, ब्रह्मणी वायु युक्त बोले हे मरी तुम्हारी मती। Yeah!
आवरे गर्व करे सो आरे जग में आ ईश्वर की रीत गति रवाइया ईश्वर की रीत गति मारे पति ने हाये रूप दे दे तू दुनिया में यू जी सकी मारे पति ने हाये रूप दे दे तू दुनिया में यू जी सकी मारे पति ने हाये रूप दे दे तू दुनिया में जी सकी मारे पति ने हाये रूप दे दे तू दुनिया में जी सकी की अब केवे भाई केवे हाथ जोड़कर लक्ष्मी बोले शीश झुकाकर पार्वती बोले बे हाँ जाए प्राण चरण रे मा ऊंदा होएगा गणा दिली है हाँ हाथ जोड़कर लक्ष्मी बोले शीश झुकाकर पार्वती ब्रह्माणी बा यूं उठ बोले मैं मरी तू मारी मती तू मजे बने हाँ मरी मत मारी ना ये सती माता आप स्वा दुनिया रे माए सती कोई नहीं है मांगो तो बोर्ड ढीला होगा हाँ जो भी माँ गलती की क्षमा कर जो अभिमान कियो मामो मांगा दिन दूर ना मुश्किल गर्व करे सो हरे जग में ईश्वर की रीत गति मारे पति ने हाई ये रूप दे दे तू दुनिया में ऊंची सती बाबू सती माता बोले भाई थाना पति एरिया तीन ओड़ को घरे ले जाओ अब तीनों एकरी का कहीं ओढ़ के बा मुश्किल है तो जाए प्रेम तीनों पगा में पड़िए तो सती माता कही मारा पाचा हागे स्वरूप कर देवे शंकर भगवान उठता ही बोले आप हागे रूप में हो प्राण विष्णु भगवान ने के अटाया आप कहीं कामन होगा अटाए प्राण नींद ले ली नी के बटी ने ब्रह्मा जी के रे भाई नींद तो मनी कर लिया अटने विष्णु भगवान के मारो तो पसे के उन्हों ही कहीं तो नारद जी बोले अब तू बेगा भी रोजो थानी गुण की आधे ग्लोर की बना दिया तो वाह अबे भगत दास चरना रोचा कर रे पद गयो पति प्रेम करे भाई रे पद गयो पति प्रेम को छेछ महीना रा बालक कर दे रे ब्रह्मा विष्णु में चरना रो
चपली बजावे राम स्वरूप सती अनुष्या ने ना राम जी सुनावे चपली बजावे भाई राम स्वरूप इसको साज मारे रमेश बजावे इसको साज मारे रमेश बजावे कथा थे अनुस्यारी सुन जोरे पाप राजा लो रे प
सजनों तो से तीरे पति चरणा मेरे की है। दुख सजनों से तीरे पति रे चरणा मेरे की सगड़ों से तीरे पति रे चरणा मेरे करना मेरे ऐसी